हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि महाभारत के पहले दिन कितने हजार सैनिक मारे गए थे। तो बस इसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस कर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बैल आइकन भी प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गदर्शि शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस युद्ध में कौरवों की ओर से 11 और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी अर्थात 18 अक्षौहिणी सेनाओं लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में 18 ही योद्धा जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो चुके थे। युद्ध के पहले दिन का हाल जानिए। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन इस युद्ध का हाल धृतराष्ट्र ने संजय को सुना रहे थे। एक ओर से कौरव की सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर पांडवों की सेना। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो गए थे और वह भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का कर्म योग का उपदेश दे रहे थे। अर्जुन फिर भी युद्ध से विमुख होकर पलायन करने की सोच रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। तब अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के निकट पहुंचे और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के भी चरण स्पर्श किए। दोनों ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर की धर्म नीति को देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु बहुत ही प्रभावित हुआ। इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो योद्धा अपना खेमा बदलना चाहता है वह स्वतंत्र है। वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध लड़ सकता है। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चला गया। युयुत्सु तो कौरवों की ओर से थे, वह कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वह एन युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष राजनीति के तहत युयुत्सु को सीधे ही मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदंत नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। दोस्तों, देवदंत नामक एक शंख जो कि श्री कृष्ण का खास शंख था, उस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो बनाई गई है। अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वज दंड काट दिया। संध्या होते ही युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आज के युद्ध में पितामह की अजयता सिद्ध हो गई है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। इसी दिन पांडव किसी भी मुख्य कौरव वीर को नहीं मार पाए। पहले दिन के समाप्ति पर पांडव पक्ष के भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमक शल्य और भीष्म द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध करा दिया गया। कहते हैं कि इस दिन लगभग 10,000 सैनिक की मृत्यु हो गई थी और पहले दिन पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कौरव पक्ष मजबूत रहा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक की था। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं अभी एक हफ्ता से ये वीडियो नहीं डाल पाया था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मैं डीमोटिवेट हो गया था। हमारे कुछ पिछले वीडियोस पर कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आया था और हमारे चैनल पर भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गई थी, जिसके कारण हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइज हो गया था और मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो गया था कि वीडियो बनाने के लिए। पर अब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक किया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आगे वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे और आगे से आप वीडियो लाइक करेंगे। तो बस मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।